नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र मारू एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जन सरोकार मंच टॉक की ओर। जन सरोकार मंच टॉक की लाइव श्रृंखला में आज हमारे साथ में हैं बेहद खास मेहमान अब्दुल सलाम साहब। हम सलाम साहब का बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। सलाम साहब कोटा के जाने माने शायर हैं। लेखन के साथ ही आपके व्यक्तित्व के और भी बहुत सारे आयाम हैं। आप बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, साथ ही कई नाटकों का भी सफल निर्देशन भी आपने किया है। हम इससे पहले कि सलाम अपना प्रोग्राम शुरू करें, हम सलाम साहब का स्वागत और इस्तकबाल करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हमारे साथ हैं सलाम साहब। अंधेर नगरी, पंच परमेश्वर, कफन, बकरी, नमस्कार, आज शुक्रवार है। समाज सेवी तबके तबले, ईश्वर अल्लाह देव नाम, एक था गधा, हाय हैंडसम आदि नाटकों में बहुत से यादगार रोल आपने किए हैं। हम आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि अभिनय का ये जो जुनून है, ये कहाँ से पैदा होता है, कैसे आपके साथ अभिनय जुड़ने लगता है और ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है? दरअसल क्या है कि प्रत्येक बच्चे में, जो बच्चा छोटा होता है जी, तो आपने देखा होगा कि सब बच्चों की अपनी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। किसी का खेल पे ध्यान होता है, किसी का पढ़ाई पे ध्यान होता है, किसी का अन्य गतिविधियों में ध्यान होता है। तो हकीकत में ये जो वर्गीकरण है, इसका विकास स्कूल से ही शुरू हो जाता है, स्कूली शिक्षा से ही शुरू हो जाता है। आपने देखा कि स्कूल में बच्चे तो बहुत सारे होते हैं जी, लेकिन सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ ही बच्चे काम लेते हैं। कुछ ही लोग, कुछ ही लोग खेल में भाग लेते हैं, कुछ अपने पढ़ने में लगे रहते हैं। तो इसमें भाग लेना चाहिए और आगे चल कर ऐसा हुआ कहीं ना कहीं जाते थे, कोई रोल नहीं होता था, स्टेज का सामान रखने के लिए आ जाते थे, कभी कोई पर्दा खींचने के लिए आ जाते थे। तो यात्रा तो स्कूल से शुरू हुई और नवीं दसवीं में जब आए तो वहाँ स्कूलों में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे समय दिया जाता था, आजकल तो सरकारी विद्यालयों में बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। हमारे समय पूरा एक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए हुआ करता था, तो उसमें नाटक जो तैयार किए जाते थे स्कूल के अध्यापकों द्वारा ही तैयार करवाए जाते थे, तो उनमें मैंने भाग लिया। होती थी उनमें मैंने शुरुआत, दरअसल मेरी वाद विवाद विषय पर उतर भी करना ज्यादा अच्छा लगता था, तो वाद विवाद मुझे एक अच्छा मंच मिल सकता है। मेरी शुरुआत तो वहाँ से हुई, लेकिन धीरे धीरे अभिनय के प्रति मेरा रुझान बढ़ता गया और स्कूलों में मैंने काफ़ी अभिनय किया। उसके बाद जब हम कॉलेज स्तर पर आ गए, वहाँ भी अच्छी प्रतियोगिता हो रही थी, वक्त हमारे सुधार की गुंजाइश महसूस हुई, विशेष ध्यान देना शुरू किया अभिनय के ऊपर। कॉलेज लाइफ के अंदर भी मैंने अपने स्वयं के नाटक लिखना और नाटक करना चालू कर दिया था और मुझे उसका साहित्य का चूँकि शुरू से थी। मैंने जब स्कूल में कविता प्रतियोगिता हुआ करती थी तो मैंने अपनी पहली कविता जब मैं नवीं में था तब लिखी थी। अच्छा, तब लोग सब दूसरे कवियों की कविता सुनाया करते थे जी। तो मैं आपको स्वरचित रचना पेश कर रहा हूँ। जब नवी में था तो मैंने अपनी एक पहली कविता था कि जो खिल जाए सूरज निकलने के पहले, ऐसे हम लेकिन इसको
स्कूल में कमल नाम का विद्यार्थी था, उसने इस कवि पढ़ के बहुत नाम कमाया। तो मुझे काफी बाद में एक बार वो कहीं मिल गया तो किसी ने उसका परिचय करवाया कि ये है वो सलाम साहब जिनकी कविता आप पढ़ते हो। तो वो थोड़ा खुश भी हुआ, झिझक भी गया, क्योंकि वो तब तक कमल के नाम से ही उस कविता को ठीक है ये चलता रहता है। पर आए हम तो अभिनय किया, उसमें मैं खास तौर से मोनो एक्टिंग एकाभिनय जी उस पर मैं विशेष ध्यान दे रहा था, मेरी रुचि जरा उसके अंदर थी। उस वक्त स्वर्गीय प्रेम हमारे एक बहुत जाने कवि और नाटककार लेखक हुए हैं, तो वो एक प्रतियोगिता में निर्णय बनकर आए थे। उस वक्त मैं मोनो एक्टिंग कर रहा था, दरअसल वो कॉमेडी का रिवाज अब चला है, और मैं उस वक्त स्टैंडिंग कॉमेडी क्या करता था, नाम मोनो एक्टिंग है, एक अभी नया चूंकि हम बोलते हैं अलग अलग उसमें। तो उन्होंने जब मुझे वहां देखा, परिणाम तो पक्ष में आना ही था, तो प्रेम जी प्रेम ने जब मुझे वहां देखा तो मुझे उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया उन्होंने कि आप वहां मिला। तो प्रेम जी प्रेम ने उस वक्त एक सप्त श्रृंगार के नाम से साहित्यिक संस्था बनाई हुई थी, जिसमें नाटक, नृत्य, संगीत, समस्त विधाएं जो भी होती थी वो उसमें सम्मिलित थी। तो उन्होंने नाटक के लिए विशेष रूप से मुझे आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उस वक्त प्रेम जी प्रेम से जुड़ा और मैंने तब बाहर के मंच पर नाटक करने में स्कूलों में गए थे जो सभी लोग करते हैं। ये भी एक तरह से सौभाग्य है आपका कि उसी सब श्रृंगार में अब आप एक बड़े पद पे हैं। हाँ, दरअसल वो हुआ ऐसा कि सब श्रृंगार के जो फाउंडर मेंबर्स थे वो धीरे धीरे सब उनकी आयु पूरी होती चली गई थी, और अभी माननीय शरद केलंग साहब हैं जो उसके संयोजक हैं, और मैं सब श्रृंगार का फिलहाल अध्यक्ष हूँ, और बाकी लोग सभी ईश्वर के पास चले गए हैं, भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो सप्त श्रृंगार के माध्यम से मैं अभिनय में आया, और पहला नाटक प्रेम के निर्देशन में अंध्यान नगरी चौपट आ गया, संभवतः वो अक्टूबर 19 जब हमने ये, और वहां हमारी बाहर की बाहर के मंच पे अभिनय यात्रा प्रारंभ। लेकिन एक अभिनेता को एक मूवमेंट पे एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पर उससे ये खुद अंदर से फील होता है कि हाँ मेरे अंदर एक अभिनेता है, और वो कोई ऐसा मूवमेंट आपकी लाइफ जीवन में रहा जहाँ आपको लगा हो कि हाँ एक आत्मविश्वास हमारे अंदर आ जाता है कि जब हम अपने अंदर ही अपने अभिनेता को देख लेते हैं, ऐसा कोई मूवमेंट? दरअसल क्या है कि जब आदमी को ये अगर महसूस हो जाता है कि मैं एक अच्छा अभिनेता हूँ, तो मुमकिन है कि मुझे लगा कि जो तालियों में नशा होता है उससे बेहतर नशा मैंने कहीं और देखा नहीं है, और वही एक आदमी के सफलता का प्रमाण है, प्रमाण भी निश्चित रूप से। तो जब जब दर्शकों की मेरे अभिनय पे बजी है, मैं समर्थ हूं, और इस संदर्भ में एक नाटक शरद जोशी साहब का लिखा हुआ नाटक है, ईश्वर अल्लाह नहीं नहीं एक था गधा उर्फ अलादा था, उसका जिक्र करना चाहूंगा जी कि शरद जोशी साहब ने
लिखा तो बहुत पहले है, काफी समय पहले हो गया, लेकिन वो आज भी ऐसा लगता है कि वो जैसे आज के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है। तो दूसरा ये है कि वो इतने बड़े बड़े संवाद लिखे गए हैं कि आप उसको एक बार में बैठ कर पूरा नाटक पढ़ ही नहीं सकते, आपको उस नाटक को पढ़ने के लिए दो दिन चाहिए, उसमें इतने बड़े संवाद हैं। जब मैंने उस नाटक को किया और उसके संवाद मैंने स्टेज पे बोले, तो पहले नाटक के पहले संवाद से और नाटक के अंतिम संवाद तक हॉल में तालियां ही बजती रहीं। तो ये एक मेरे मुझे लगा कि ये प्रमाण था मेरे अभिनय का, क्योंकि अभी बात अभी प्रारंभ ही हुई है जी। फिर भी मैं उसके संवाद अभी एक संवाद आपको कि हमारे जो नेता हैं वो कैसे तो बात शुरू करते हैं, कहां से बात शुरू करते हैं, कहां खत्म करते हैं और क्यों करते हैं जी। एक था गदावर बलादाद खां में एक नवाब है जो कि सत्ता का प्रतीक है और वो जनता में लोकप्रिय होना चाहता है, जैसा कि आज का हर नेता लोकप्रिय होना चाहता है, तो वो जनता में लोकप्रिय होना चाहते हैं और वो जनता के बीच में आए हैं, अपना एक भाषण दे रहे हैं। अब देखिए लंबा संवाद है, मजा आएगा आपको भी सुनने में। कहना ना होगा और ना कहा गया तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, पर कहें न कहें कहने वाले तो कहते ही हैं, और न कहने वाला क्यों कर कहेगा कि हमने किए हैं इस मुल्क के लिए जो काम वो कई ज्यादा हैं उन वादों से जो हमने दिए थे, जो हमारी मजबूरी थी, जैसा कि जेल की दीवारों को दो दो फीट ऊपर उठाया जाना, आपने देखा होगा और देखना चाहिए आपको कि ये काम इस मुल्क के इतिहास में पहली बार हुआ। इसके पहले दीवारें दो दो फुट नीची थी, तो उसके पीछे एक मकसद था हमारा, जो रहता है हमारे नेक कामों के पीछे कि काम मिले हमारे मुल्क के ठेकेदारों को, दूसरा उन चोर उचक्कों खूनों और डाकुओं को जो जेल की दीवारें फांदते हैं। हमने उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी की, चुनौती नहीं पर हमें उम्मीद है पूरी कि वो इसे महसूस करेंगे और जेल की दीवारों को फांदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से इंसान आगे बढ़ता है, उसका मुल्क आगे बढ़ता है, और अगर दोनों भी आगे बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, और ना भी बढ़े तो मुल्क मुल्क है, इंसान इंसान, वो रहेंगे, उन्हें रहना चाहिए और मैं चाहता हूं कि वो रहे। तो इसके आगे मेरी कुछ फिक्र है इस मुल्क के बारे में कि हम जनता में लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जनता ख्वाबों में भी हमारे ही ख्वाब देखे, नींदों में भी हमारे ही ख्वाब देखे, उनकी गर्दनें नहाते वक्त, खाना खाते वक्त, सर मुंडाते वक्त, बोया कि हर वक्त हमारी शान में झुकी रहे। तो वो लोग जो इतिहास लिखने के लिए हमारे नौकर हैं, नोट करें आज की बात कि हमारा ध्यान मुल्क की बेहतरी के लिए गया और हम तुरंत उस पर लग गए। बस आज के लिए इतना ही काफी। तो इस संवाद लंबा है, लेकिन इस संवाद में जो भी बातें व्यंग जो उन्होंने कटाक्ष शरद जी ने किए हैं काफी मायने रखते हैं, मायने रखते हैं, और प्रासंगिक है, बिल्कुल प्रासंगिक है। तो इस तरह के कई संवाद इस नाटक के अंदर है, दो ढाई घंटे का नाटक, सारे संवाद ऐसे बड़े बड़े ही हैं, और उन संवादों पर ताली बजना अपने आप में एक सफलता थी जो मुझे महसूस हुआ कि भाई मैं नाटक कर सकता हूँ। हालांकि ये काफी बात का नाटक है, उसके पहले हमने छोटे छोटे काफी सारे नाटक प्रेम जी प्रेम के निर्देशन में किए, जिनमें कफन, पंच परमेश्वर, प्रेम जी प्रेम, प्रेमचंद जी की एक श्रृंखला चलाई थी नाटकों की, लिखी कहानियों पर नाटक शुरू किए थे हमने, तो उनमें सम्मिलित थे। लेकिन चूंकि कोटा में कोई ऐसा स्थान नहीं था, कोई ऑडिटोरियम ऐसा नहीं है जहाँ पर हम अपने नाटक कर सकें, फिर
फिलहाल तो बिल्कुल ही नहीं है। एक वक्त था जब कोटा का रंगमंच बहुत समृद्ध, यहाँ पर श्री राम रेंस, जेके, पीसी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी और जिनके अपने स्वयं के रंगमंच थे, जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं करवाया करती थी। तो उस प्रतियोगिता में हम लोग भी किसी तरह शामिल हो जाया करते थे। लेकिन राज्य सरकार का कोई ऐसा रंगमंच नहीं है कोटा में जिस पर हम जाकर अपना कुछ कर सके, रिहर्सल कर सके, कुछ नाटक कर सके, नाटक तैयार कर लें तो उनको प्रदर्शन कहाँ करें जी। अब तो ये भी समस्या हो गई है क्योंकि फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो गई हैं। अब फैक्ट्रियों में जो एक DCM फैक्ट्री है रेयर्स, उसमें सांस्कृतिक गतिविधियाँ बंद हो गई हैं जी। तो अब वो चीज़ धीरे धीरे बिल्कुल एकदम समाप्त हो गई है। तो मैं ये कह रहा था कि प्रेम जी प्रेम के जाने के बाद हमारे सामने नाटकों के निर्देशन की भी एक समस्या उत्पन्न हो गई जी। कि अब नाटक भी कर रहे हैं तो कौन कर रहा है जी। तो हमारे जो नाटक के जो कुछ साथी थे उन्होंने मुझ पे ही जोर डाला कि भाई आप इस बारे में कुछ करें, सोचें, समझें। तो वाकई जब हम पहले नाटक करते थे तो अपने रोल के बारे में सोचते थे, अपने एक रोल सोच लिया, आपने ऐसे करना है और नाटक कर देते थे। लेकिन जब निर्देशन का जिम्मा ऊपर आया और नाटकों को पढ़ने लगा मैं, तो मुझे समझ में आया कि वास्तव में हमें करना क्या है। हर चरित्र के बारे में समझना, उनका आपस में तारतम्य बिठाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैंने तब से निर्देशन में मतलब मुझे जबरदस्ती उतरना पड़ा और उस निर्देशन का जो पहला बड़ा नाटक था वो आखिरी सवाल था, जो एक कैंसर की बच्ची पे डिपेंड करता था जिसमें उसकी माँ की स्थिति क्या होती है एक बच्ची की, तो वो था। और वो नाटक काफ़ी सफल रहा, उसके बाद से मैं निर्देशन भी करने लगा। अच्छी बात कही सर आपने कि वैसे तो मेरा जो अगला सवाल ही आपके निर्देशन को लेके ही था कि आखिरी सवाल एक था गधा, सृष्टि का आखिरी आदमी, एक और द्रोणाचार्य, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अंधेरे नगरी, खजूर में अटका, टोपी झपट्टा, इन्ना की आवाज़, कथा लखनलाल की, पाला पलट, जैसे बहुत से विख्यात नाटक आपने निर्देशित भी किए। तो एक तो यहाँ पर सवाल ये भी है सर कि जब आप, जैसे कि आपने कहा कि आपको जबरदस्ती एक तरह से एक मजबूरी थी कि आपने निर्देशन भी किया, लेकिन जब आप नाटक को पढ़ते हैं एक निर्देशक बतौर निर्देशक, ये डायरेक्टर, और बतौर आप एक फ्रेम बनाते हैं, फिर एक बड़ी असमंजस की स्थिति होती है क्योंकि आपको उसमें अभिनय भी करना है। तो आपने एक कैनवास और फिर कुछ देर बाद आप भी उस कैनवास के हिस्से भी होते हैं, तो कभी नाटक को बाहर से देखना, कभी खुद उसका हिस्सा हो जाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मैं समझता हूँ। ये किसी अभिनेता के लिए किसी नाटक को खुद ही निर्देशित करना और उसमें अभिनय भी करना, इस पर जरूर मेरा एक सवाल था कि किस तरह की परेशानी आती है कि जब आप खुद ही, जैसा कि आपके लंबे लंबे सवाल संवाद खुद के भी हैं, उसके बाद आपको लोगों की केमिस्ट्री भी देखनी है, आपको फ्रेमवर्क भी देखना है, आपको सेट का काम भी देखना है, आपको ये भी सोचना है कि भाई लाइट्स का कितना काम होगा, कैसे होगा, तो फिर क्या दिक्कतें और ज्यादा चुनौतियां रहती हैं आपके सामने की, फिर कैसे सर्वाइव? हाँ बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर हम नाटक भी अभिनय भी कर रहे हैं और निर्देशन भी कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है और उस वक्त हमें दूसरे लोगों की सलाह पर ही ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है कि वो सलाह हमारी मनमाफिक नहीं होती जी। लेकिन क्योंकि सामने दर्शक देख रहे हैं और उन्हें महसूस किया है उस बात को, इसलिए उनकी बात भी माननी पड़ती है। ये ज़्यादातर जो मेरे निर्देशित नाटक हैं उनमें मैंने अभिनय नहीं किया है। अच्छा, इसमें जो एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है जी, आखिरी सवाल नाटक जो है, इनमें मैंने अभिनय नहीं किया है। खजूर मठ का, कथा एक लखनलाल की, ये बड़े बड़े नाटक हैं लेकिन अभिनय मैंने नहीं किया है, केवल निर्देशन ही किया है। और सौभाग्य से ऐसा हुआ है कि मैंने जिनमें अभिनय किया है
वो नाटक किसी और द्वारा निर्देशित किया गया। अच्छा, उन्हीं नाटकों में मुझे ज्यादा सफलता मिली है और जिन नाटकों में मैंने अभिनय भी किया है और निर्देशन भी किया है वहाँ थोड़ी बहुत चुनौतियां भी मेरे सामने आई है। मेरा सवाल खासकर उन्हीं नाटकों को लेकर आई है, लेकिन उसका एक कभी कभी कुछ फायदा भी हो जाता है। जैसे मैं आपको एक घटना बताता हूँ, हमने एक नाटक किया था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नाटक के लिए मुझे रामनगर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पागलों के पृष्ठभूमि पर यह एक नाटक लिखा गया है जिसमें कुछ पागल हैं जो एक पागल खाने के अंदर रह रहे हैं जी। और वो बाहर नहीं आना चाहते, उनको बाहर की जो भी दुनिया के बारे में पता चलता है तो बाहर नहीं आना चाहते। तो इस बेस पे वो नाटक था, उसमें पात्रों के जो नाम थे उनमें एक अल्लाह था, एक ईश्वर था जी, एक आईजैक था, अनामी था, इस तरह से वो नाटक पात्र थे उसके अंदर। हमने ये नाटक झालावाड़ में हमें करने के लिए जाना था, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम जी। और हुआ यह कि उसी दिन किसी मजबूरी की वजह से जो अल्लाह का जो पात्र कर रहा था वो नहीं आ पाया, वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हुआ नहीं क्या मतलब, या था ही नहीं, तो कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए, बाहर चले गए। और हमें ये कह दिया गया झालावाड़ से कि नहीं भाई, नाटक तो आपको आज ही करना है। ये बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैं जो अनामी का रोल कर रहा था उसके अंदर, तो अनामी की एंट्री उसके मध्यांतर के बाद में थी। और चूंकि मैं निर्देशक था, फैसला भी मुझे ही लेना था जी। तो मध्यांतर के पूर्व मैंने अल्लाह का रोल किया और मध्यांतर के वक्त उस पागल को की मृत्यु बताई स्टेज पर कि भाई वो किसी वजह से पागल मर गया। और उसके बाद फिर मध्यांतर जब हुआ, दोबारा शुरू हुआ, तो मैं अनामी बन गया, मैं आया और उनके कुछ जो डायलॉग थे अल्लाह के भी डायलॉग वो भी मैंने बोले, और इस तरह से किसी तरह उस नाटक को हमने पूर्ण किया। तो चूँकि वो दिमाग में मेरे आइडिया था इसलिए मैं उसको कर सका। तो निर्देशन होने का एक फायदा यह भी मुझे मिल गया कि मैंने उस रोल को कर लिया मैंने। और ऐसी घटनाएं वैसे हमारे साथ आती रहती है, ज़्यादातर यही हुआ है कि मैंने जिन नाटकों का निर्देशन किया है उन्होंने अभी नहीं किया है। नेक्स्ट सर, जो आपके जीवन के बहुत सारे जो आयाम हैं हम उन सब पे बातें करेंगे तो शायद पूरी रात नहीं करते हैं, और लेकिन हम फिर भी कुछ कुछ खास खास बातों को अगर हम लें तो आपके जीवन में जो आपका लेखन वाला जो स्ट्रांग एक पक्ष है जिसमें कि आपके बहुत सारे नाटक कई जगह पर गए, जेके में गए, लिखने का कहाँ से कोई क्या घटना लगी आपके जीवन में, कैसे आपने लिखना प्रारंभ कराया हो? दरअसल क्या हुआ कि नाटक जो लिखे गए हैं उनमें भी बहुत कम नाटक ऐसे हैं जो पढ़ने योग्य हैं। अच्छा, अगर आप नाटकों को पढ़ने लगे तो आपको लगेगा यार इसमें करने जैसा कुछ नहीं जी। कई नाटक ऐसे हैं जो हमने पढ़े और यूँ ये महसूस किया कि इसके अंदर अगर ये भी होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो उन नाटकों में जो कुछ कमियां महसूस हुई कई बार, और कई लेखक तो ऐसे जिनके नाटक में किए ही नहीं। वहां से दिमाग में जब किसी के नाटक को पढ़ते तो यूँ महसूस होता कि यार इसमें ये भी होना चाहिए था, इस नाटक में ये कमी है, तो खुद ही महसूस होता कि भाई हमें भी कुछ इसमें हम इस तरह का कुछ लिख सकते हैं। एक समस्या तो ये थी, एक समस्या ये थी कि महिला पात्र नहीं मिलते थे। महिला पात्र बहुत बड़ी समस्या है सभी के लिए। अब तो चलो ट्रेंड बदल गया है, लेकिन ट्रेंड बदल गया है तो नाटक नहीं हो रहे हैं टीवी की तरफ और अन्य फिल्मों की तरफ लोग पढ़ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, समस्या है, लेकिन नाटक अभी भी नहीं हो रहे हैं। और रंगमंच के लिए तो उस वक्त लड़कियां थी ही, तो एक बात ये भी दिमाग में थी
तो इस बात को भी दिमाग में रखकर मैंने कुछ निर्णय लिए कि जिसमें महिला पात्र नहीं हो और हम अपना काम चला रहे हैं, आवश्यकता जैसी, हाँ जैसी आवश्यकता, तो थोड़ा बहुत इसमें लिख लिया करते थे। और किसी भी नाटक में जब कमी महसूस होती थी तो उसमें भी अपना कुछ लिख लिया करते थे, टांग अड़ा लिया करते थे। फिर क्या हुआ कि जवाहर कला केंद्र जयपुर द्वारा नाट्य प्रतियोगिता, लेखन नाट्य प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। पहली बार तो मैंने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब उसमें जीते हुए नाटकों को मुझे पढ़ने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। और जब दूसरी प्रतियोगिता उसकी हुई नाट्य लेखन की, तब मैंने चौथा बंदर नाम से नाटक लिया, तो सौभाग्य से उस लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आया चौथा बंदर। और वो इस बेस पे था कि गांधी जी के तीन संदेश हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, तीन बंदर ही बता रहे। लेकिन मानने वाला ये तो कह नहीं सकता कि भाई मैं पहले बंदर की बात मानूंगा, बिल्कुल, या केवल दूसरे की मानूंगा या तीसरे की मानूंगा, मतलब मानने वाले को तो तीनों की बात माननी है। माने जो तीनों की बात मान रहा है, जो बुरा नहीं देख रहा है, बुरा नहीं सुन रहा है, बुरा नहीं बोल रहा है, मतलब वो इस समाज की दृष्टि में घूंगा दे रहा है, अंधा है, वो है चौथा बंदर। तो अगर कोई व्यक्ति इन तीनों सिद्धांतों की पालना करे तो उसकी पालना करे तो उसकी क्या स्थिति होगी, इस बात को मैंने रख के आगे चौथा बंदर लिया और वो प्रथम स्थान उसको प्राप्त हुआ। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सलाम साहब अपनी विवाह सोच का प्रदर्शन अपने नाटकों के लेखन में भी किया करते हैं। आपके लिखे नाटक चौथा बंदर जवाहर कला केंद्र की नाट्य लेखन प्रतियोगिता में प्रथम रात, इसके अलावा टोपी झपट्टा, रावण होड़ और नकली अंधे असली हाथी आदि भी पुरस्कृत हुए। राजस्थान महिला एवं विकास बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में नाटक बेमोल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य संस्थान पटियाला द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में ठग मेला और राम रॉयंस लेखन प्रतियोगिता में कबीर पर लिखे एक नाटक सब ही भूमि बनारस को प्रथम पुरस्कार भी मिला। ये लिखने की जो एक शैली है, ये आपने बताया कि एक तो ये कि जैसी हमें आवश्यकता है, दूसरा ये कि जैसी डिमांड है। यदि हमें आपने जो एक महिला की जो कहानी पहले हमें सुनाई जिसका बेमोल नाम, तो ये कहानियां जो आपके दिमाग में आती है जहन में, तो ये कहीं आसपास के समाज को रिफ्लेक्ट करती है या उसके किरदार आपके आसपास ही लेते हैं या कैसे करते हैं? वैसे तो हर चीज समाज से आती है, समाज में मौजूद है। दरअसल मैं वन विभाग में कार्यरत था और ज़्यादातर मेरा जो संबंध रहा है वो गांव की जमीन, जो फॉरेस्ट की जमीन है उसको नापने संबंधित कार्य रहा है। मैं वन विभाग में सेटलमेंट में, तो जब मैं वहाँ गांव में जाता था और उन ग्रामीणों की स्थिति जो देखता था, तो वो बात मेरे मन में कचोटा करती थी। इस आदमी ने वन विभाग करके खेती कर रहा है, वो किस मजबूरी में कर रहा है, वो अपनी तरह, और मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको हटाऊं, ये कर रहा था। तो चूंकि मैं अपने को सरकारी ड्यूटी में था तो मुझे तो अपने को नाक ही बताना ही पड़ता, लेकिन उस आदमी उस जमीन का अतिक्रमण करने की वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, जमींदारों की जमीनें हैं और उनको मजदूर उन पर खेती कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर जाने का रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है। उन गांव में मैं जब जाता तो मैं ये सोचता, मैं शहर से जाता, ऐसी मजबूरी क्या है आदमी की, ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको किस स्थिति में रहना पड़ रहा है, लेकिन कोई मजबूरी तो रही होगी जो उस स्थिति में है। तो ये सारी बातें मुझे अक्सर प्रभावित करती थी और मैंने इन्हीं चीजों को अपने लेखन में।
हेमोल भी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बचपन में बाल विवाह उसका होने के कारण वो विधवा हो जाती है, और जब युवा होती है तो समाज के जो छुट रही है लोग और जो ऐसे होते हैं निम्न तबके के लोग या कुछ भी कह लें आप, वो उसको गांव में परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, हर तरह से परेशान करते हैं। तो आप पंचायत ये निर्णय करती है कि हमें अपने समाज में सुधार करना चाहिए, और सुधार के नाम पर वो बाल विवाह, क्योंकि वो विधवा हो चुकी, बाल विवाह थी और वो विधवा हो गई थी किसी वजह से बचपन में ही, तो साहब विधवा विवाह के लिए वो उसको स्वीकृति दे देते हैं कि भाई ठीक है ये बच्ची विधवा हो गई है तो हम ये कदम आगे बढ़ाते हैं और उसको विधवा विवाह के लिए स्वीकृति देते हैं, उसके घर वालों को स्वीकृति दे देते हैं। लेकिन जब विवाह का नंबर आता है तो कोई युवा उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता, और एक ऐसा बिल्कुल बूढ़ा आदमी जिसकी अगले क्षणों का पता नहीं है उससे उसका विवाह करवा दिया जाता है पुनर्विवाह के नाम पर, कि तो हम इतने प्रगतिशील है कि हम पुनर्विवाह करा रहे हैं, और फेरे लेते समय ही वो व्यक्ति गिर के उसकी मौत हो जाती है, और एक बच्ची निर्दोष जिसकी कोई गलती नहीं है वो एक ही जीवन में दो बार विवाह हो जाती है। तो ये कहानी मुझे जब पता चली तो मैंने इस पर ये बेमोल नाम से नाटक लिखा, नुक्कड़ नाटक कहते हैं वो, तो उसको वहाँ पर अपने बाल विकास मंत्रालय की प्रतियोगिता में भेजा, उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन ये त्रासदी जो है वो सच्ची त्रासदी थी, ये निश्चित रूप से सही बात है, और मैं इस बात में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि एज अ एक कलाकार, एज अ राइटर, एज अ आर्टिस्ट, आपकी ये परम ड्यूटी है या आपकी सोच में होना चाहिए कि समाज के उन सभी त्रासदियों को हम मंच पे लाएं, हम अपनी लेखनी में लाएं, और ऐसा होना ही चाहिए। मेरे ख्याल में यही सामाजिक सरोकार भी है, इस सामाजिक सरोकारों की बातें करना, यही इस जन सरोकार मंच का नितांत उद्देश्य भी है। हम समाज के ऐसे तबकों के बारे में बातें करें, उनको स्टेज पर हम अपनी एक माध्यम जहाँ से हम अपनी बात को रख पाए, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। और सलाम साहब, ये निश्चित रूप से सैल्यूट करने लायक बात है कि आपने ऐसे विषय उठाए, ये इतने मार्मिक जो बातें आपने उठाई अपने नाटकों में, अपने निर्देशन में, आपकी एक्टिंग में मैंने खुद भी देखा है, अभी जबरदस्त। एक और बात है, वैसे हम बातचीत के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ गए, सलाम साहब का एक और बहुत व्यक्तित्व का आयाम है जो बहुत ही सशक्त है, जो है कि सलाम साहब शेर लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं। हम इस प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि कुछ शेर, कुछ गज़लें आप हमारे लिए ज़रूर पढ़ें, ताकि हमारे दर्शक और सभी लोग उसका लाभ ले सकें। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो सबसे पहले मैंने हैरत के नाम से सलाम, हैरत के नाम से सलाम, और 2016 तक मैं जब सेवा में रहा तब तक मैंने इस संबंध में कुछ नहीं लिखा। अच्छा, मैंने ये गज़लें लिखना 2017 में शुरू की, और उनका प्रभाव वही है ग्रामीण पृष्ठभूमि का। जी, के जैसे मैं आपको एक शेर बताता हूँ, जाने चलो मैं भी याद आता तो आराम से तो वहाँ से भी मैंने कुछ लिया है, गांव की पृष्ठभूमि से और समाज से जो होता है, राजनीति से जो है वो काफ़ी लिखा है। अभी आपने देखा कि कैसी जब लॉकडाउन हुआ तो किस तरह की वस्तुओं की हालत हुई, निश्चित क्या हुआ, थोड़ा उस पर भी मुझे ध्यान आया। तो जैसे विधायक की तबाही से बचाने के ये क्या दस्तूर कर डाले, तबाही से बचाने के ये क्या दस्तूर कर डाले, कतरने थे हवा के पर परिंदों के कतर डाले, तबाही से बचाने के ये क्या दस्तूर कर डाले, कतरने थे हवा के पर परिंदों के कतर डाले,
दिलों में दूरियों की कोशिशें भक्ति नहीं सहा क्या? दिलों में दूरियों की कोशिशें भक्ति नहीं सहा, मुमकिन आपका ये फैसला सदियों असर डाले क्या? मुमकिन, बहुत सुंदर, आपका ये फैसला सदियों असर डाले, सदियों असर डाले। मुकद्दर में है घर जलना तो जलने का मजा तो है क्या? मुकद्दर में है घर जलना तो जलने का मजा तब है कि खुद में जलने का कोई चरागों सा हुनर डाले, कि खुद में जलने का कोई चरागों सा हुनर डाले। तो दिया अब तक समझ न पाया मकसद उनकी याद का, दिया अब तक समझ न पाया मकसद उनकी यारी का, मुखालिफ तीरगी का में हवाले क्यों हुनर डाले। तीर की मतलब अंधेरा, तो दिया अब तक समझ न पाया मकसद उनकी यारी का, मुखालिफ तीरगी का में हवा ने क्यों भंवर डाले। और ये अच्छा है जहां का दर्द वो महसूस करता है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है जहां का दर्द वो महसूस करता है। कभी घर के मसाइल पे भी तो अपनी नजर डाले क्या? कभी घर के मसाइल पे भी तो अपनी नजर डाले, तो जगों में खून की हलचल पे इतराने से क्या होगा क्या? जगों पर, जगों में खून की हलचल पे इतराने से क्या होगा। जिन्हें शोक शहादत है वो खतरे में भी सर डाले क्या? जिन्हें शोक शहादत है तो खतरे में भी सर डाले। और सुकून में ढूंढता फिरता हूँ अखबारों में हैरत, सुकून में ढूंढता फिरता हूँ अखबारों में अब हैरत, खबरची आज तो शायद कोई अच्छी खबर डाले क्या? खबरची आज तो शायद कोई अच्छी खबर डाले। बहुत ही तो ये मेरे जो माहौल है उसी के हिसाब से लिखा, और मैं आपको कुछ सुना देता हूँ कि मेरे एहसास पे छाई रही है कम तभी अब तक। हर आदमी को महसूस होता है कि यार वो कुछ कम है, कुछ है उसमें कमी है। मेरे एहसास पे छाई रही है कमतरी अब तक, करिश्मा कर ना पाई कुछ भी अपनी सादगी अब तक। मेरे एहसास पे छाई रही है कमतरी अब तक, करिश्मा कुछ भी कर ना पाई मेरी सादगी अब तक। मैं हैरान हूँ कि मेरी कोशिशें हैं क्यों बेअसर इतनी, मैं हैरान हूँ कि मेरी कोशिशें हैं बेअसर इतनी। दिए तो बो दिए पर उग ना पाई रोशनी अब तक क्या बात, दिए तो बो दिए पर उग ना पाई रोशनी अब तक। और ये शेर में जरूर जरूर अपने लिए कहना चाहूंगा कि कयामत तक रखे जिंदा तू ऐसा हुनर पैदा कर, कयामत तक रखे जिंदा तू कर ऐसा हुनर पैदा, जमी तो कह गई जितने हुए हैं नाम पर पैदा क्या बात है। कयामत तक रखे जिंदा तू कर ऐसा हुनर पैदा, जमी तो खा गई जितने हुए हैं नाम पर पैदा। क्यों थक कर हार जाने से न पहुंचेगा तू मंजिल पर, क्यों थक कर हार जाने से न पहुंचेगा तू मंजिल पर। अगर है बंद रास्ता तो कर नहीं रहे गुजर पैदा, अगर है बंद रास्ता एक नहीं कर रहे गुजर पैदा। तो ये इस तरह से जो दिमाग में आती रहती बातें है ना, अब आप जैसे मजदूरों की बात है तो कोई शीशा है कोई पत्थर है कई सदियों से, कोई शीशा कोई पत्थर है कई सदियों से, मुख्तलिक सबका मुकद्दर है कई सदियों से, कोई शीशा कोई पत्थर है कई सदियों से, मुख्तलिक सबका मुकद्दर है कई सदियों से। तो नन्हे हाथों में थमा देती है जिम्मेदारी, नन्हे हाथों में थमा देती है जिम्मेदारी, मुफलिसी का यही तेवर है कई सदियों से, कई सदियों से मुफलिसी का यही तेवर है कई सदियों से। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से 2017 से लिखना शुरू किया है, थोड़ा चल रहा है, लिख रहा हूँ, आपको पसंद आया दर्शकों को पसंद आया तो ये मेरी वो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं करना चाहूंगा ही सही। और मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि सलाम साहब
ऐसे ही लिखते रहे और ऐसे ही बेबाक लिखें, ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मैं भी आखिरी में ये आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से जरूर राज्य सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ जरूर कि कोटा में कोई कला और संस्कृति विभाग का ऑडिटोरियम नहीं है जी। अभी हमारे यहाँ आईएल बंद होगी, उसका एक बहुत बड़ा और बहुत शानदार ऑडिटोरियम रखा हुआ है। तो अगर कला संस्कृति विभाग उस ऑडिटोरियम का अधिग्रहण कर ले, अधिग्रहण करके और नाटकों को प्रोत्साहन करे, हमसे नाटक करवाए, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए, तो ये जो समाप्त प्राय विधा होती जा रही है कोटा नाटक उसको भी बल मिले जी। तो मैं चाहता हूँ इस माध्यम से कि राज्य सरकार तक ये बात पहुँचे और कोटा में कला और संस्कृति विभाग का ऑडिटोरियम होना चाहिए, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात रहेगी जी। जन सरोकार मंच का उद्देश्य भी ये है कहीं ना कहीं कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। तो कार्यक्रम बिल्कुल एंड पे है। हमारे साथ जाने माने शायर, लेखक, निर्देशक, अभिनेता सलाम साहब थे जो कि कोटा के जाने माने हस्ती हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जन सरोकार मंच की ओर से, और धन्यवाद आपका भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा। सबसे कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कोटा में ये जो बातचीत, आपकी कोई राय हो तो हमें जरूर लिखें, हमें कमेंट्स करें ताकि हम और आगे और अच्छा काम कर सकें। इसी के साथ ही आज का ये प्रोग्राम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, धन्यवाद। धन्यवाद।